गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट होम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन नंबर 6, दैट इज चेंजेस अराउंड अस. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में, लास्ट टर्न में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि चेंजेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं और कौन कौन से चेंजेस होते हैं. फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मैन मेड और नेचुरल चेंजेस होते हैं, स्लो और फास्ट चेंजेस होते हैं. तो आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कैन ऑल चेंजेस बी ऑलवेज रिवर्स. इट मीन्स कि क्या सभी के सभी चेंजेस जो है वो हमेशा रिवर्स होते हैं. तो इसको मैं आपको स्टूडेंट्स अपनी डेली लाइफ के, हमारे जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं बहुत सारे, उन्हें लेकर समझाऊंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मैं आपको एक, ये मेरे पास एक एरोप्लेन है पेपर का, मैंने फोल्ड करके बनाया है. आप लोग भी अपनी क्लास में बहुत बनाते हैं एरोप्लेन, है ना. तो इसको हमने क्या किया, पेपर को फोल्ड करके इस तरह से एरोप्लेन बनाया है, यानी कि अब हमने पेपर की जो शेप है वो चेंज कर दी, राइट. इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ये आपका रबर बैंड है, इसको अगर मैं स्ट्रेच करती हूं, तो स्ट्रेच करने पर फोर्स लगा रही हूं, तो इट मींस क्या हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है. तो हमने क्या देखा कि इसमें हमने, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये वापस अपनी शेप पर आ गया, ठीक है. इसी तरह से अगर मैं एरोप्लेन के फोल्ड्स खोल दूं, इसकी सारे फोल्ड्स खोल दूं, तो क्या होगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, जिस जहां से मैंने शुरुआत करी थी वापस वहीं पर आ गए. इट मीन्स ये रिवर्स हो गया, वापस ये अपनी अपनी शेप्स में आ गए, इट मीन्स ये रिवर्स है. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेना चाहेंगे, जैसे कि आपका है पेपर फोल्ड हो रहा है, ये एग्जाम्पल आपको दिया, ये आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया. रबर बैंड को आपने किया, ये भी रिवर्सिबल है. इसी तरह से टायर ट्यूब होती है, आपके साइकिल्स में जो टायर की ट्यूब होती है उसको क्या है, अगर उसको गैस उसमें हवा भरती है तो वो फूल जाती है ना, और उसको साइज बढ़ जाता है. लेकिन अगर हम उसमें से हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है, उसका साइज वापस वैसा हो जाता है. तो वो भी आपका चेंजेस है एक तरह का, वो भी रिवर्स है. इसके बाद इलास्टिक है, वो भी रिवर्स है. इलास्टिक को आप खींचेंगे, छोड़ देंगे, तो वो अपनी स्टेज पर वापस आ जाएगी. इट मींस दैट कि ये ऑल आर चेंजेस जो है, ये जितने भी चेंजेस आपको मैंने एग्जांपल दिए, ये सब कहते हैं रिवर्सिबल है, जिसमें हमने जहां से शुरुआत करी थी उसी स्टेज पर आकर वापस हम आ गए, ठीक है. इसी तरह से हम बात करते हैं कुछ आपका मटीरियल्स होती है उनकी, अगर स्टेज जो है, जैसे कि आइस की बात कर रहे हैं हम, आइस से हमने वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करा, तो हमने क्या करा, ये जो है मटेरियल की स्टेज कन्वर्ट हो गई. तो इसमें भी क्या है कि अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तब तो ये वाटर से, आइस से वाटर और वाटर से फिर से हीट दी तो स्टीम में चेंज हो गया, राइट. इसी तरह से अगर स्टीम से हमने ठंडा करा तो वाटर बन गया, और वाटर को फिर ठंडा किया तो आइस बन गया, यानी यहां पर हमने इसे कोल्ड करा तो ये वापस सीसीस में आ गया. तो ये चेंज भी कैसा है आपका, रिवर्सिबल चेंजेस है, ठीक है. ये भी सब चेंजेस आपके रिवर्सिबल है. तो हम क्या कह सकते हैं, इन सब चीजों से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि व्हेन द चेंजेस आर रिवर्सिबल वी गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. जब चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होती है तो वो कैसे ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो हमें वापस मिल जाता है, जहां से हमने स्टार्ट किया था वही ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस मिल जाता है. इसके अलावा कुछ एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे कि जब रोड्स बनती है तो वो टारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हीट दी जाती है तो वो मेल्ट हो जाता है, फिर वो रोड पर बिछा दिया जाता है, और उसके बाद वो ठंडे होके वो वापस वैसे ही सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो भी रिवर्सिबल है, ठीक है. लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल होने के बावजूद वो अपनी ओरिजिनल सब्सटेंस में या ओरिजिनल स्टेज में वापस नहीं आते. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि ये मैंने अभी वही पेपर जिसका मैंने एरोप्लेन बनाया था ये आपके सामने है, इसको अगर मैं इस तरह से
पीसेस में टियर कर दू, मैंने इसको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं आपको बोलूं कि ये वापस जो है आप इसको पेपर में, मुझे वैसे ही चाहिए, तो क्या आप कर सकेंगे ऐसा कि इसको वापस, ऐसा कोई जादू नहीं है कि इसको आप वापस उसी स्टेज में ला सकें। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं कि आप पेंसिल रबर लेते हैं, उनको शार्प करते हैं, पेंसिल वापस छोटी हो जाती है तो वो बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह से आपका, आप देखिए हमारा जो है वॉटर और हमारा आपका फ्लोर मिलके हम जो है डो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डो, ठीक है। आपकी मम्मी बनाती है ना डो, जिससे आप रोटी बनाते हैं, तो वो क्या है, ये भी इरिवर्सिबल है। भले ही यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, फिजिकल चेंज है ये, लेकिन फिर भी हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से कैंडल को जब बर्न किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाती है वापस, वैसे ही और कैंडल नहीं बन सकती, ठीक है। तो कुछ चेंजेस जो फिजिकल हैं वो भी अगर इरिवर्सिबल हैं तो वहां पर भी हम उनकी ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो नहीं मिल सकते। यानी कि इसी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर दीजिए कि व्हेन द चेंजेस आर इरिवर्सिबल, अगर आप कहें इरिवर्सिबल, वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, हम नहीं आपका वापस, कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, हमें दोबारा से वो ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिल सकता। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा जो है, जैसे आपने चपाती बनाई डो से, तो वो भी वापस ओरिजिनल नहीं होगा, वो भी इरिवर्सिबल है, ठीक है। आपने क्ले से पॉट बना दिया, पॉट से वापस आप क्ले में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो भी आपका ओरिजिनल सब्सटेंस में आपका वापस नहीं हो सकता। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको एरोप्लेन बना के दिखाया, फोल्ड हटाए तो आपने वापस उसको पेपर को हम उसी स्टेज में ले आए, लेकिन अगर मैं कोई एरोप्लेन पेपर पर ड्रॉ कर दूं और फिर उसे कट कर दूं और मैं आपको कहूं वापस मुझे वही पेपर चाहिए पूरा पीस, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो चेंजेस आपके रिवर्सिबल हैं वो उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस आपका वापस मिल सकता है, लेकिन जो चेंजेस इरिवर्सिबल हैं वहां पर हम अपना ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो वापस नहीं मिलेगा, राइट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अदर वेज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, और कौन कौन से वेज हैं जिनसे हम चेंजेस हमें मिलते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मटेरियल। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़ना, और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू गेन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट, ये हीट के मिलने से या हीट के लॉस होने से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है मटेरियल्स में। इसमें सॉलिड जो होते हैं वो सबसे कम, लीस्ट का मतलब सबसे कम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि गैसेस जो होती हैं वो सबसे ज्यादा हीट देने पर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसके लिए इसका, इस प्रॉपर्टी का यूज हमें कहां पता चलता है स्टूडेंट्स? हम जो है हमारे घरों में हैमर होता है, हैमर, आपका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, ये मेरे पास ये हैमर है, राइट, आपके घरों में भी होगा। इसमें क्या होता है कि आप मोस्टली कईयों के घर में ये वुडन का पार्ट होता है और ये मेटल का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिंग होती है बीच में, इसमें तो इतने अच्छे से नहीं दिख रही है, बट रिंग होती है बीच में, और मेटल की जो रिंग होती है उसका जो साइज होता है इस हैंडल के साइज से हम छोटा रखते हैं, राइट। क्या करते हैं, जो हमारा मेटल का, ये हमारा मेटल का रिंग है, ये आपका हो गया, ये इतना बढ़िया हथौड़ा नहीं बना भाई बच्चों मेरा, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका बीच में रिंग होता है, ये इसका साइज इस हैंडल के साइज से छोटा रखा जाता है और फिर इसको हीट दी जाती है, तो हीट देने पे क्या होता है, ये एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, और जब ये फैल जाता है तो इसका साइज इससे छोटी, आपके डंडे जो हैंडल है उसके साइज से छोटा रखा जाता है, और जब उसको हम हीट देते हैं तो एक्सपेंड हो जाता है, और फिर जब वो एक्सपेंड होता है तो उसके अंदर हम इस लकड़ी का जो हैंडल, हमारा वुडन हैंडल है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें रिंग में फिक्स कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहां इस्तेमाल होती है। एक और आपको एग्जांपल दूंगी, आपने बुलक कार्ट देखा होगा, उसमें इस तरह से वुडन का व्हील बना होता है, ठीक है, तो उनके ऊपर ये मेटल की रिम चढ़ाई जाती है। किसकी रिम चढ़ाई जाती है? मेटल की रिम चढ़ाई जाती है। किस पे चढ़ाई जाती है? आपका वुडन के इस व्हील पे, ठीक है। तो
ये जो वुडन का व्हील होता है पे, तो ये जो वुडन का व्हील है आपका, ये देखिए इसमें क्या है, ये मेटल की रिम चढ़ाई जाती है। तो ये जो मेटल का रिम होता है इसका साइज क्या कर दिया जाता है, छोटा रखा जाता है और फिर इसको हीट दी जाती है। तो हीट देने पर क्या होता है, ये साइज जो है जैसे इसका साइज एक्सपेंड होता है तो इसे इस लकड़ी का, ये वुडन का जो व्हील है इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और फिर वापस इसको व्हील को वॉटर में डाल दिया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए और फिर ये उसके ऊपर कवर हो जाता है, टाइट रिम जो है पूरा टाइटली कवर हो जाता है। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज इस तरह से अपनी डेली लाइफ में करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, इंट्रैक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि जो आपके सब्सटेंसेस हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होना, और जब इंट्रैक्शन होता है चेंजेस तभी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वॉटर ले रहे हैं और उसमें आपका शुगर मिला रहे हैं, तभी तो आपने अगर इसको मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे या हीट देंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बीकर में शुगर रख दिया और एक बीकर में वाटर रख दिया और वो अपने आप ही आके अपना मिक्स हो गए, ऐसा तो नहीं होगा। आप उनको मिक्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बताया कि वाटर और शुगर को मिलाने के बाद हमारा सॉल्यूशन बन गया, यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से हमने अभी पीछे एक एक्टिविटी अपनी बुक में देखी थी जिसमें हमारा विनेगर है, ठीक है, और विनेगर में हमने क्या मिक्स कर दिया है, आपका सोडा मिक्स कर दिया, बेकिंग सोडा, यानी कि जिसमें आप घर में भी यूज करते हैं, है ना। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस। ये गैस आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी क्या होगा, जब विनेगर और बेकिंग सोडा को हम मिक्स करेंगे उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा तभी सॉल्ट वाटर और गैस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब आपका जो है सब्सटेंसेस में आपस में इंट्रैक्शन होता है, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होंगे तभी चेंजेस जो है वो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे उनके जो है उसमें क्या। अब ये विनेगर और बेकिंग सोडा में जब आपकी सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये चेंजेस कैसा होता है, आपका केमिकल चेंज होता है, जिसको कि मैं अभी आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ, राइट। तो ये हमने लिया है, ये स्टूडेंट मेरे पास है बॉटल है और बॉटल में मैंने ये आपका विनेगर लिया हुआ है जो कि मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। विनेगर को जो है आपका, ये है आपका विनेगर, राइट। अब विनेगर है और ये मेरे पास बलून है और इस बलून के अंदर मैंने क्या डाला है, बेकिंग सोडा डाला हुआ। अब मैं जो है इसको आपके सामने देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया, देख रहे हैं अभी तक मेरा बलून बिल्कुल फ्लैट है किसी तरह की। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर क्या है मेरे पास, बेकिंग सोडा, ठीक है, और ये बॉटल में क्या है, विनेगर। अभी तक इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, अभी मैं थोड़ा सा इसमें से ये देखिए, ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, इतने अच्छे से बलून जो है हमारा फूल गया है ना। तो ये क्या हुआ, ये जादू नहीं है, ये केमिकल चेंज है। और ये कैसे हुआ, ये जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्ट हो गए और हमारा सॉल्ट वाटर और गैस बनी, और ये गैस की वजह से ही आपका बलून जो है इतना बढ़िया सा फूल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है, राइट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।